हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे बोर्ड मास रूल क्या होता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो बोर्ड मास रूल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, आप चाहे किसी भी क्लास में चले जाए, ये रूल कहीं ना कहीं अप्लाई होता ही रहता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पे, जो मैंने लिखी हुई है, और हम इसको फॉलो भी इसी ऑर्डर में करते हैं। हमने जो ये रूल लिखा है, बोर्ड मास रूल, इसके जितने भी ये मल्टीपल ऑपरेशन है, हम इसको इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास, जिसमें ब्रैकेट्स भी है, जिसमें ये सारे ऑपरेशंस भी हैं और ऑफ भी है, तो उनको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इसी ऑर्डर में उनको सॉल्व करना होगा। पहले बी आ रहा है तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं? एक है हमारा लाइन ब्रैकेट, ये ऐसे लाइन बार जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा राउंड ब्रैकेट, फिर आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। तो ऑर्डर, जो ब्रैकेट को सॉल्व करने का ऑर्डर है, वो इस ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लाइन को सॉल्व करेंगे, अगर कहीं पे लाइन ब्रैकेट है, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी कि ऑफ को कैसे सॉल्व करते हैं। डी डिवीजन को सॉल्व करेंगे, अगर डिवीजन है उसमें, देन मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद हम एडिशन, और सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बोर्ड मास रूल विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई 5 + 7 × 4। तो आप देखो यहाँ पे प्लस साइन भी है, मल्टीप्लाई भी है। सो एज पर द रूल, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? हम पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए चलिए पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, 5 + 7 × 4। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। इक्वल्स टू 5 + 7 × 4, ये हो गया 28, और इनको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 33। तो ये आंसर आ गया। तो ये तो इजी था, क्योंकि इसमें दो ही ऑपरेशंस थे हमारे, एक तो मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई 12 / 2 + 15 − 4। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिवीजन, वी हैव एडिशन, वी हैव ब्रैकेट ऑल्सो, राउंड ब्रैकेट एंड सब्ट्रैक्शन साइन ऑल्सो। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सो वी विल राइट क्वेश्चन फर्स्ट ओवर हियर। सो एज पर द बोर्ड मास रूल, बी बी फॉर ब्रैकेट, तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, 12 / 2 + तो ब्रैकेट के अंदर है 15 − 4, ये हो जाएगा 11। नाउ नेक्स्ट, एज पर द बोर्ड मास रूल, नेक्स्ट कम्स डिवीजन। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व डिवीजन। सो 12 / 2 इज 6 + 11। नाउ वी विल ऐड 6 एंड 11, तो ये हो जाएगा हमारा 17। सो यही हमारा क्या है, इसमें आंसर आएगा। ठीक है, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ टू सॉल्व इट। 12 / 6 × 3 / 2। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल, वॉट कम्स फर्स्ट? डिवीजन। मैं एक बार और यहां पे लिख देती हूँ रूल को, बोर्ड मास, बी फोर ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, ओ ऑफ, ऑफ भी नहीं है कहीं यहाँ पे, डी फोर डिवीजन, डिवीजन है हमारा यहाँ पे, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई, एडिशन
एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, डिवीजन है इसके अंदर, तो पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। सो 12 डिवाइडेड बाय 6, ये आया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। नाउ वी विल सॉल्व दिस डिवीजन, 2 मल्टीप्लाई बाय, हाउ डू वी राइट 3 डिवाइडेड बाय 2? इसको हम लिखते हैं 3/2। डिवाइड को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 3। सो 3 ही हमारा क्या है, आंसर है। इसमें मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन साइन अगर रह जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप लेफ्ट से राइट तक जो भी साइन आ रहा है, लेफ्ट से राइट को जो भी साइन आ रहा है पहले, उसको भी आप सॉल्व करेंगे, तब भी आपका आंसर क्या होगा, 3 ही आएगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे ब्रैकेट्स भी हैं, ऑफ भी है। सो इसको समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास की हेल्प से। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम राउंड ब्रैकेट। ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी हमें बोर्ड मास ही अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 77 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज होगा, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज आएगा भी, ऑफ, ये क्या है हमारा ऑफ। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है, पहले हम एडिशन 7 + 8 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 13, ब्रैकेट क्लोज, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट लाइन में आएगा 77 माइनस 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ, ये हो जाएगा 15 माइनस 13, कितना आया हमारा 2। तो अब ये ब्रैकेट यहाँ से रिमूव हो गया, इसको हमने सॉल्व किया, अब सिर्फ हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, अब हम पहले सॉल्व करेंगे 3 ऑफ 2। 3 ऑफ 2 को कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं बता देती हूँ आपको। 3 ऑफ 2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो ऑफ है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आएगा 6, तो यहाँ पे क्या आया हमारा 6। 25 माइनस 6 डिवाइडेड, अब क्योंकि हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 6, ये आया 1। चलिए हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया पहले, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर भी हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे एज पर द बोर्ड मास रूल। ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोर्ड मास रूल ही अप्लाई करना है, इसलिए अब अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी सॉल्व कर रहे हैं, हम पहले डिवाइड नहीं करेंगे, हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, 3 ऑफ 2 जो कि हमारा है 6, 6 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, तो हमारा ये कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब आया हमारा सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 25 माइनस 1 24, तो ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, और अब लास्ट में माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 53। ये आपको बड़े ध्यान से करना है, पहले हमने राउंड ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने पहले ऑफ को सॉल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या फॉलो करना है, बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया 6 डिवाइडेड बाय 6, और फाइनली कर्ली ब्रैकेट ये पूरा सॉल्व हो गया, 6 को 6 से डिवाइड करके क्या आया 1, 25 में से 1 माइनस किया 24, और फिर ये माइनस करके आया 53। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें काफी सारे ब्रैकेट्स भी हैं, लाइन ब्रैकेट भी है हमारा, तो इसको और सॉल्व करेंगे, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना, हाउ टू अप्लाई बोर्ड मास रूल व्हेन वी हैव डिफरेंट ब्रैकेट्स, डिफरेंट ऑपरेशंस। सो लेट्स डू इट, पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 34 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 13 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 10 कर्ली ब्रैकेट 26 प्लस 44, यहाँ पे हमारा राउंड ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2, और इस पूरे के ऊपर क्या है हमारा लाइन ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2
कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स के अलग अलग नाम भी होते हैं, राउंड ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट को मिडल ब्रैकेट भी बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 34+। सो एज पर द रूल सबसे पहले क्या होगा, हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, लाइन, जो लाइन वाला है, ठीक है। और लाइन के अंदर भी हम बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको यहां तक तो एज इट इज लिख लेते हैं, यहां तक हमने इसको एज इट इज लिख लिया। पहले हम क्या करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 - 2। अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है लाइन ब्रैकेट, इसको एज इट इज लिख देंगे, 34+ - 10 कर्ली ब्रैकेट, 26+ राउंड ब्रैकेट, 44 / 24 - 2 कितना जाएगा, 22 राउंड ब्रैकेट, -2 कर्ली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो जाएगा हमारा 13 × 20, यहां तक तो एज इट इज ही होगा। अब नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सा सोल्व होगा हमारा, राउंड ब्रैकेट। तो उसके अंदर हमारा क्या है, डिवीजन है, 44 / 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया, यहां से हट गया, और उसके बाद है हमारा -2 कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। ये आगे हो जाएगा 34+13 × 20 -10 कर्ली ब्रैकेट। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसमें भी हम बोर्ड मास को ही फॉलो करेंगे, तो पहले ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 28 - 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 1, ये 13 × 20 - 10। अब ये 28 - 2 कितना हो गया, 26 कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर क्लोज ब्रैकेट। ये नेक्स्ट लाइन में आएगा 34+13 × 20, यहाँ पे कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। तो 10 को 20 से जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 26, और वो आ जाएगा 260। तो कर्ली ब्रैकेट भी पूरा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास को फॉलो करना है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा 34+, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 260 - 260। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर आया हमारा 260 - 260 क्या हुआ, 0, और अब लास्ट में हम क्या कर देंगे, ऐड, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आप प्रॉपरली बोर्ड मास रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। सो जब भी ब्रैकेट के अंदर भी आप बहुत सारे अगर ऑपरेशन है उनको सॉल्व करें तो उसके लिए भी आपको बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करना है, डमास, डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग मैथ्स।